बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम। टॉप स्टोरी के साथ आपका मेजबान अल्ताफ यानी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, हर बार की तरह इस बार भी कुछ स्टोरीज से आगाज करते हैं और इसके बाद यकीन तौर पर जो सबसे हॉट तरीन टॉपिक हमारी मईशत है, हमारी सियासत है, पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है, कोशिश करेंगे कि आज स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से भी कुछ थोड़ी सी रहनुमाई मिले कुछ हमारे एक्सपर्ट से। तो ये जनरली हमारी सूरत हाल होगी, लेकिन हमेशा की तरह आज के इस प्रोग्राम की का आगाज़ भी जो है एक दर्दनाक स्टोरी से करने की जसारत करूँगा। नाज़रीन, PMDC पाकिस्तान में मेडिकल के शोबे में बच्चे और बच्चियाँ जिस खुशी व खुजू के साथ, जिस शौक के साथ जाने की कोशिश करते हैं, और नो डाउट हर माँ की ख्वाहिश थी, बल्कि एक अरसे पहले तो ये बहुत ही हुआ करता था कि हर तीसरी बच्ची जो है वो आपको डॉक्टर बनने की ख्वाहिश का इजहार करती थी, ख़ासतौर पर मैं अगर मैं बच्चियों की बात करूँ, और नो डाउट बच्चों ने भी तालिबे इल्मों ने भी इसमें बड़ा ज़ौक व शौक देखा इस ग्रुप। लेकिन नो डाउट के वक्त के साथ साथ इतना श्रिंक होता गया हमारा निज़ाम इम्तहानात मेडिकल का, और इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होती चली गई तो हम वक्त के साथ साथ उसमें सीटों को तो ना बढ़ा सके, हमारी यूनिवर्सिटीज़ की तादाद में इजाफा तो नहीं कर पाए, लेकिन बदकिस्मती हुआ ही का कंपटीशन बड़ा सख्त हो गया। और इस सख्त तरीन कॉम्पिटिशन में जब ट्रांसपेरेंसी शफाफियत का उनसर भी गायब होना शुरू हो जाए तो आवाम के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। होता यह है कि हमारी कुछ चार कराची की अगर मैं बात करूं तो कुछ चार यूनिवर्सिटीज़ हैं मेडिकल के शोबे को देखती हैं, मेडिकल के बच्चे, मेडिकल के शोबे में जाने वाले बच्चे यहाँ से तालीम हासिल करते हैं, डॉ यूनिवर्सिटी, जिना, KMDC और लियारी मेडिकल कॉलेज। ये वो चार कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं जो मेडिकल की तालीम के लिए ऑन बोर्ड लेते हैं, ख़ासतौर पर अगर मैं MBBS की बात करूँ और BDS वगैरह की। इसके लिए खास एग्जाम, एडमिशन टेस्ट जिसे हम कहते हैं, इनकी अपनी परसेंटेजेस जो इनकी इंटरमीडिएट की होती हैं, इनके साथ साथ इस इम्तिहान का भी बड़ा अहम होता है। और अब इस इम्तिहान ने ऐसी शक्ल इख्तियार कर ली है कि बाकायदा कोचिंग सेंटर्स ने इस इम्तिहान की तैयारियों के लिए एक बड़ी बड़ी फीसें लेना शुरू की हैं। ऐसे बहुत सारे इदारे हैं जो MCAT के नाम पर एक कोर्स कराते हैं जो 6 महीने 4 महीने, और इस पे इस टेस्ट में बैठने से पहले वो प्राइवेट इदारे जो हैं, वो प्राइवेट स्कूल्स जो हैं, कोचिंग सेंटर्स जो हैं, वो ट्रेनिंग करते हैं किस तरह से आपने ये इस इम्तिहान को, इस मुकाबले के इम्तिहान को पास करना है। ये एक अलग साइंस है जिस पर के मैं और आप कभी और किसी और मौके पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन आज मैं सिर्फ इस एंट्री टेस्ट जो हालिया दिनों में तरतीब पाया है कराची शहर कराची के अंदर, इस पर थोड़ी सी कुछ बोलने की जसारत करूँगा। कमोबेश 20 से 25 हज़ार स्टूडेंट्स जो हैं वो इन यूनिवर्सिटीज़ की 750 मेरिट पर 750 या इसके आसपास के कुछ नंबर्स हैं जिसके लिए मुकाबले के इम्तिहान में बैठते हैं। और कमोबेश कहा यह जा रहा है, ये कोई एग्जैक्ट फिगर मुझे कहीं से नहीं मिल पाया क्योंकि ये स्टोरी कल रात ही मेरे जहन में या मुझे मेरे गोश गुजार लाई गई है, तो मैं इस पर बहुत ज़्यादा कोई तहकीक नहीं कर पाया, लेकिन ज़रूर अगले किसी प्रोग्राम में इस पर मैं तफसील से बात करूँगा कि कमोबेश 750 मेरिट की सीट्स हैं इन चार मेडिकल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ की, और इतनी ही कमोबेश सेल्फ फाइनेंस तो बहुत ही महंगा तरीन सब्जेक्ट होता है जो मेरिट पर नहीं आता वो सेल्फ फाइनेंस में, और उसमें भी एक बहुत बड़ी कैटेगरी है। इस बार के जिस स्टूडेंट ने मुझसे रابطہ किया और मुझे बताने की कोशिश की है कि क्या हुआ है इस टेस्ट के अंदर, वो मैं आपको गोश गुजार करूंगा तो यकीनी तौर पर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और इस पर बाकायदा कई पेरेंट्स ने और कई स्टूडेंट्स ने एहतजाज भी किया है और ख़ुद हमसे भी रابطہ किया है और भी मीडिया हाउसेस से रابطے में होंगे। वे होप्स हो कि आगे आने वाले दिनों में सोशल मीडिया पर भी ये इस पर बहस का आगाज़ हो कि कोई जब ये इसका एंट्री टेस्ट होता है NED के अंदर, तो उस एडमिशन टेस्ट के अंदर बच्चों को जो क्वेश्चनर जिसे हम कहते हैं MCQs होते हैं अराउंड 200 के आसपास, और ये मुख्तलिफ रंगों के होते हैं और लाइन से एक के बाद एक वो कलर चेंज हो जाता है ताकि कोई नकल का रुझान ना रहे इसमें। ये तरीक़ाकार होता है, ग्रीन, पिंक, ब्लू, वाइट और येलो और या इससे आसपास के कोई रंग, ये मुझे शायद हो सकता है कि मैं भूल रहा हूँ, ये 4-5 रंगों के क्वेश्चनर्स होते हैं जो बच्चों को दिए जाते हैं, इस पर वो MCQs को टिक करते हैं। मुझसे जिस स्टूडेंट ने रब्ता किया है मैं हैरान हूँ, आप भी हैरान होंगे, वो उनके पास ग्रीन पेपर था और ये ग्रीन पेपर जिन के पास भी होगा, किसी एक के पास नहीं होगा, बहुत सारे लोगों के पास होगा, उसमें कोई 200 में से कोई 30 या 35 या कमोबेश 39 का फिगर आया कि जिसके आंसर्स जो हैं
मैनेजमेंट के पास ही गलत थे, ये ऑथेंटिक बात है। मैनेजमेंट के पास 30 से 35 या कमोबेश 39, 30 से 40 के दरमियान का फिगर समझ लीजिए, इनके जवाब गलत थे मैनेजमेंट के पास, क्योंकि बच्चों ने जो पढ़ा था या जो उन्हें बताया गया था या जो उन्होंने रिसर्च की थी उस एतबार से उन्होंने वो सही किए हैं। लेकिन मैनेजमेंट इस बात पर बजिद है कि जो जवाब हमारे पास लिखे हैं हम उस हिसाब से देखेंगे और इस हिसाब में उन तमाम बच्चों को कि वो एमसीक्यू जो है वो हो गए गलत, होना यही था। लेकिन क्या आपको इसके पीछे कोई साइंस नजर नहीं आती? मैं बताऊंगा वो साइंस, लेकिन पहले तो ये देखिए कि एक चीज ऑथेंटिसिटी आपकी मैनेजमेंट या मैं या कोई इदारा नहीं हो सकता। ऑथेंटिसिटी तो दुनिया के वो तमाम किताबें हो सकती है जहां से ये बच्चे पढ़ के आए, और अगर वो जवाबात सही हैं कोई ऐसा इदारा तो हो जो इनको ये चेक कर सके कि आया जो बच्चे सही जवाब दे रहे हैं उनको गलत करार देना इस वजह से कि मैनेजमेंट कहती है कि हमारे पास जो जवाबात हैं वो इससे मैच नहीं कर रहे। ये तो हो गया एक सवाल। अब मैं इसके पीछे जो साइंस बताने जा रहा हूं वो आप सुन लीजिए तो शायद आपको बड़ी हैरानी होगी। मैंने आपको फिर बताया कि मेरिट के बाद अगर जो कोई बच्चा मेरिट के बाद सेल्फ फाइनेंस में जाना चाहे, और फिर सेल्फ फाइनेंस के बाद तो अगला ऑप्शन इनके पास जो है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होती हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में इस वक्त एक बच्चा कमोबेश 15 लाख रुपए साल की फीस पे, कमोबेश की बात कर रहा हूं, इससे ज्यादा ही होगा, ये कम से कम की बात कर रहा हूं, 15 लाख रुपए साल का खर्चा। क्या एक आम आदमी 15 लाख रुपए अपने एक बच्चे पर खर्च कर सकता है इसको डॉक्टर बनाने के लिए? तो ये तो नामुमकिन सी बात होगी हमारे इस मुआशरे की मैं बात कर रहा हूं। तो प्राइवेट को तो अभी एक तरफ रखिए, अब मैं सेल्फ फाइनेंस की बात कर रहा हूं, वहां भी कोई कम नहीं है, को 8-10 लाख के करीब का जो है वो आगाज यहीं से आगाज होता है, इसी इन्हीं रकों से आधा, ये भी बड़ा मुश्किल तरीन सब्जेक्ट है। तो मेरिट पर सीटें जब जाती हैं तो वो यकीन तौर पर सबके लिए बड़ा एक्सेसिबल होता है, बहुत सारे हमारे जिस मुआशरे की मैं और आप बात कर रहे हैं, तो यहां पर मेरिट का कत्ल होता है वो इस तरह से कि आपने जवाबात अपने पास नोट कर लिए, सबको पता होता है कि आपने जवाबात कैसे देने हैं, क्योंकि मेरिट शीट बनानी है तो मेरिट शीट पर आपने अपने मंजूर नजर स्टूडेंट्स को वो जवाबात वो गलत हैं या सही हैं वो आपने उन तक पहुंचा दिए होंगे। ये मेरा अंदेशा है, ये मेरा खदशा है। आप चाहें अगर कोई मैनेजमेंट इसे सुन रही है तो जरूर वो हमसे रابطہ कर सकती है और अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी हमें दे सकते हैं, लेकिन नो डाउट कि हम इसमें पूरी कोशिश करेंगे कि इस केस को, इस स्टोरी को बहुत आगे तक लेके जाएं और इनसे पूछें, अरबाब इख्तियार से पूछें कि आया माजरा क्या है, स्टूडेंट्स या तालिब इल्म गलत हैं, हम मीडिया वाले गलत हैं या आप गलत हैं, इसका फैसला होना बहुत जरूरी होगा। तो वो अपने मंजूर नजर स्टूडेंट्स को या जिनको एडमिशन दिलाना लाजमन है उनको ये जवाबात हो सकता है पहुंचा दिए गए हों कि गलत हैं या सही हैं, आपने ये जवाब लिखना है। जब वो जवाब वो लिख लेंगे वो मैच कर जाएंगे मैनेजमेंट की उस शीट से जहां पर जवाब लिखे गए, जो कि बताया ये जा रहा है कि मैं सिर्फ अभी ग्रीन शीट की बात कर रहा हूं, उसमें 30 से 40 जवाब जो हैं वो मैनेजमेंट के पास ही गलत हैं जिसे आप प्रूफ नहीं कर सकते, लेकिन वो प्रूफ कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये हमारे पास ही है और हम इसी शीट से चेक करेंगे। हुआ ये है कि बहुत सारे बच्चे, बहुत माइनर आला काबिल बच्चे जिनकी इंटरमीडिएट की परसेंटेज जो है वो 80s और 90s पर है, वो बच्चे एडमिशन से महरूम हो रहे हैं। अभी कोई मेरिट लिस्ट पर नाम नहीं आए हैं, लेकिन जिस अंदाज से इसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है मुझे ये लग रहा है कि ये बहुत बड़ा स्कैम बनने जाएगा, बहुत बड़ा स्कैंडल बनेगा, और इस पर अगर अरबाब इख्तियार और महकमा तालीम इस पर अगर जो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन है वो मेडिकल के शोबे से ताल्लुक रखने वाली और दीगर ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो अगर इस पर थोड़ी सी निगाह रखते, थोड़ा सा इसकी तह में जाने की कोशिश करें, थोड़ी सी इसकी शफाफियत पर उंगली उठाएं, तो आपको नजर आएगा कि जो मैं कह रहा हूं कमोबेश, मैं नहीं कहता कि 100% हम सही हैं, लेकिन जो कमोबेश है आपको उसी अंदाज की सूरत हाल नजर आएगी, और ये बड़ी 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 नागुफ्तगुह सूरत हाल होगी उन बच्चों के लिए, उन लायक बच्चों के लिए जो कि जिनके ख्वाब हैं वो डॉक्टर बनना चाहते हैं। खासतौर पर अगर मैं बच्चियों की बात करूं तो उनका तो ड्रीम होता है के वो डॉक्टर बनके ना सिर्फ ये कि अपने फैमिली की बल्कि मुल्क कौम की खिदमत करने का शर्फ हासिल करना चाहती हैं, लेकिन हम उन्हें उनकी इन ख्वाहिशात का गला जो है उनके पहली सीढ़ी पर, फर्स्ट स्टेप पर ही इनकी ख्वाहिशात का गला घोंट देते हैं। कि शफाफियत की बदतरीन मिसाल मैं आपको पेश कर रहा हूं कि हमारे यहाँ निज़ाम तालीम और
निजाम इम्तिहान किस तरह से आगे बढ़ता है कि जो जवाब आप साबित नहीं कर सकते कि ये गलत हैं या सही हैं, उसको सही कहे के अपने मंजूर नजर स्टूडेंट्स को मेरिट लिस्ट पर आवेजा करने की जो कोशिश है, शायद इस पर हम सबको एहतजाज करना चाहिए। हम सबको सोचना चाहिए कि अगर आज हमने उन बच्चों के साथ यकतल्फी की है तो हो सकता है यकतल्फी इनके साथ होती रहेगी और कल को यही बच्चे इस हकतल्फी पर शोर ना मचाएंगे तो कमोबेश इस हकतल्फी पर अपने आप को जब ढाल लेंगे तो फिर यकतल्फी ये खुद भी शायद हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में करते रहें, क्योंकि इसको अब हम मायूब समझते नहीं है। हमारे यहाँ करप्शन, हमारे यहाँ चोरी, हमारे यहाँ खास तौर पर अरबाब इख्तियार करें तो ये चोरी तसव्वुर नहीं की जाती। और हमारे यहाँ तो पूरी बार्गेन का सिस्टम, मैं और आप सब जानते हैं कि आप खरबों की करप्शन करें और करोड़ों देकर छूट जाए, यह होता है हमारे यहाँ करप्शन का तरीका। और किस अंदाज से यहाँ सीटें बिकती हैं, किस तरह से हमारे निजाम इम्तिहान पर क्वेश्चन मार्क होते रहे। मैंने और आपने देखा सिंध की तो सूरत हाल हमने जिस अंदाज से बिगाड़ी है, खास तौर पर नकल के रुझानात की मैं बात करूं कि जिस अंदाज से इसको बढ़ावा मिला है, मैं इंटीरियर सिंध को तो छोड़ दीजिए, वहाँ तो इंतहाई नागुफ्ता बह सूरत हाल है, वहाँ का तो पूछना ही नहीं है। मैं तो कराची की बात कर रहा हूँ, कराची पढ़े लिखों का शहर हुआ करता था, ब्यूरोक्रेट्स निकला करते थे यहां से। और मैं और आप देखते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स की एक तवील फहरिस्त, आज अगर आज से 30 साल 25 साल पहले की अगर फहरिस्त देखिए तो ब्यूरोक्रेट्स में आपको कराची के बेशुमार बड़े नाम नजर आएंगे, लेकिन आज का कराची हमारा नौजवान जो है वो बाइकिया, फूड पांडा और इस किस्म की ऑनलाइन सर्विसेज में सिर्फ डिलीवरी बॉय बन गया है कराची का बच्चा। और ये है वो अलमिया जो पिछले 30 सालों में हमने कराची के साथ किया, कराची के निजामे तालीम के साथ किया, कि आज हमारे कराची जो है वो तालीमी एतबार से जिससे पढ़ा लिखा शहर होने का शर्फ हासिल था, रोशनियों का शहर होने का शर्फ हासिल था, वो अपनी छोटी छोटी मजदूरियां करके, छोटी छोटी राइडिंग्स करके, तो फिर जब हमारा तालीमी निजाम और हमारा नौजवान इस जानिब होगा, उसे अपने पेट की, अपने घर की फिक्र होगी, तो वो क्या सोचेगा अपने मुल्क के लिए, अपने शहर के लिए। तो ब्यूरोक्रेसी या इस किस्म की दूसरी चीजें तो अब शाज़ो नाज़री कराची से निकल पाएंगी। खुदा करेगा आइंदा आने वाले दिनों में कराची की सूरत हाल इस अंदाज से हम तब्दील कर सकें, लेकिन इससे पहले हमें निज़ाम तालीम को बेहतर करना होगा, निज़ाम इम्तिहानात को बेहतर करना होगा, वहां से काली भेड़ों को निकाल कर उनके अंजाम तक पहुंचाना होगा और फैसला करना होगा। अब अगर कराची में, मैं यहाँ पे नौजवानों से भी और इनके 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 वालदेन से भी मुखातिब हूँ कि निज़ाम तालीम जब तक बेहतर नहीं करेंगे, नकल का रुझान हो सकता है कि आप सबके लिए फौरी तौर पर, तो अगर इस पर पाबंदी लगती है तो हो सकता है फौरी तौर पर तो ये आपके लिए जो है ये नुकसान का बाहिस बन जाए। लेकिन याद रखिएगा, इस रुझान में बेइंतहा इजाफा जो है हमारी कौम और हमारी नस्लों को बर्बाद किए चली जा रही है, और शायद इसी अंदाज से हम आगे बढ़ते रहे तो एक वक्त आएगा कि कराची में हमें तालीम का नामो निशान नहीं मिलेगा। ये थी आज की पहली स्टोरी, और यकीन तौर पर प्रोग्राम के अगले हिस्से में वक्फे के बाद हम जब आएंगे तो सीनियर एनालिस्ट और तजयकार हमारे साथ होंगे, जिनसे हम पूछेंगे कि मौजूदा मईशत जिसका हमेशा से हम जिक्र करते चले आ रहे हैं मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में, उसका बट्टा बैठता चला जा रहा है और इसका हल क्या है, इस हवाले से भी बात होगी। तो हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, वक्फे से पहले मैं बात कर रहा था कि किस तरह से हमारी मईशत का दिवालियापन होता चला जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही। इश्यूज़ बहुत सारे हैं, सियासी कायदीन और ख़ास तौर पर अगर मैं इमरान खान की बात करूं और पीटीआई की बात करूं तो इन्होंने तो इस अंदाज से एक नक्शा खींचा है कि ये सारी फसाद की जड़ जो है वो सियासी माहौल है, और जिस अंदाज से सियासत पर
कदगन लगाई जा रही है, जिस तरह से शिपखून मारा गया है, मईशत का बट्टा इसी वजह से बैठ गया है। तो मेरे साथ इस वक्त लाइन पर, मैंने कहा था कि मैं बात कराऊंगा किसी ऐसे एक्सपर्ट से जो कि इस मामले में हमारी रहनुमाई कर सकें। तो मेरे साथ सीनियर एंकर पर्सन मौजूद हैं, भरपूर तजुर्बा रखते हैं, और यकीनी तौर पर एज एन एक्सपर्ट मैं चाहूंगा कि आज ये हमें कुछ जरूरी बातों से आगाह करें। मुनीब मेमन है मेरे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम मुनीब साहब। वालेकुम सलाम अल्ताफ साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने दावत दी, और यकीन तौर पे जो टॉपिक आपका है वो बड़ा इस वक्त के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मुनीब। मुनीब सवाल भी मैं यहीं से आगाज करूंगा कि यकीनी तौर पर जिस अंदाज से हमारा सियासी कल्चर चला, कहने वाले ये कहते हैं कि शायद आज जो मईशत जो है बुरे अंदाज में बैठी हुई है, और जिस अंदाज से महंगाई और मतलब बहुत सारे इश्यूज हैं, इसकी वजह वो सियासी माहौल है। लेकिन मैं सियासी माहौल पे बाद में बात करूंगा, पहले ये बताइए कि सुना ये जा रहा है कि अब हमारा जो फॉरेन रिजर्व्स हैं हमारे, वो 7.5 मिलियन से भी कम होते चले गए हैं, और इसमें से भी कहा ही जा रहा है कि 6 मिलियन तो वो हैं जो हमने बोरो करके सिर्फ रखे हुए हैं, जिन्हें हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इस कंडीशन में जहां आपके पास सिर्फ 1.5 मिलियन हो आपका अपना, तो फिर कहां से कैसे चलेगा ये घर, कैसे चलेगा ये पाकिस्तान जिसे हम अपना घर कहते हैं, कैसे चलाया जाएगा इसको? अल्ताफ भाई, पहले तो आपका जो सवाल बड़ा है, और यकीन तौर पर वक्त के एतबार से आज हर खास आम इस सवाल को उठा रहा है कि पाकिस्तान की मौजूदा मईशत किस दहाने पर खड़ी हुई है। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी एक अच्छी इकोनॉमी वो कहती है कि जो कम से कम अपने इंपोर्ट बिल का 3 महीने का जो बिल है वो बर्दाश्त करने की शक्त रखे। पाकिस्तान की मौजूदा जो माशी सूरत हाल है अगर उसको देखें तो इसको कुछ समझ आता कि कब हाल वो हो जो श्रीलंका का हाल था, कब हाल वो हो जो पाकिस्तान में एक आम आदमी पेट्रोल की लाइनों में राशन की तरह पेट्रोल भराता नजर आए। तो ये सूरत हाल तो इस तरीके से नजर आती, लेकिन बिगाड़ देखा हो तो ये हुआ कहां से? ये बिगाड़ आज का नहीं है, ये बिगाड़ आप देखें तो गुज़श्ता 1 साल पहले से शुरू हुआ, और हमने देखा कि जब पॉलिटिकल टर्मोइल शुरू हुआ, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी शुरू हुई, आपकी किसी भी मईशत की जान होती है उसकी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज, हमने देखा कि सारे सेक्टर्स उस वक्त परफॉर्म कर रहे थे, बेहतरीन अंदाज में परफॉर्म कर रहे थे, यके बाद बिगड़े। आप देखें सब बंद होने चले गए, वो टेक्सटाइल सनतें जो धुआं उड़ा रही थी, जो भरपूर एक्सपोर्ट कर रही थी, वो सनतें आप देखें कि आज बंद होने के कगार है। वो सनतें जो कि कल तक पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी बैठी थी, आज वो सनतें बिल्कुल बंद होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो अब आप देखें ना, इस माहौल में क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं मईशत से, क्या आप सोच सकते हैं, क्या प्लान है? मतलब प्लान बी भी होता है किसी भी हुकूमतों के पास, अगर ये नहीं हुआ तो ये कर लेंगे, यहाँ तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा, आगे अंधेरा ही अंधेरा है। अल्ताफ भाई देखें, बात बड़ी सिंपल है, अगर किसी घर में सरबरा मौजूद ना हो और घर का सरबरा ना हो, या घर का सरबरा हो लेकिन वो अपनी खो बैठा हो, तो घर में भी उसकी नहीं मारी जाती, तो घर में जिस सरबरा की ना मारा जाए उसकी आप क्या खत्म करते हैं, घर से बाहर मारी जाएगी। तो वही कुछ छोटे बहन पाकिस्तान में कुछ सरबरा है, हमारी जो पाकिस्तान है जो अपने आप को पता नहीं किस देश की जगह में ला के अपने आप को कुछ आते हैं, वो शायद खुद भी नहीं जानते थे कि उनको करना क्या है, लेकिन वो आज आ चुके हैं। अब मसला ये है कि उनकी ना घर में सुनी जा रही है, आप देख रहे हैं मौजूदा गवर्नमेंट की अगर आप पॉपुलैरिटी का ग्राफ देखते हैं लोगों के साथ है, तो वो आपको कहीं भी नजर नहीं आता, और ये बात मैं अपनी तरफ से कभी कर रहा हूँ, जल्दी इंतजाम जो है उनके बताए गए आप देखें तो आपको समझ आ जाएगी कि जमीन इंतजाम में क्या नतीजा निकला, और मौजूदा गवर्नमेंट ने बड़े जबर अंदाज में हुकूमत में आए थे, और एक वजीर खजाना के पास पिछला वजीर खजाना खासतौर पर उससे बात की आप देखें मौजूदा गवर्नमेंट के लिए कोई बिल्कुल ऐसा ये इसी पे सर सवाल मेरा सवाल भी यही था कि के 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 हमारे दोस्त को बारे हमारा रेस्पेक्ट किया जाता है, जैसे इंडिया की बात करें, मलेशिया की बात करें, कतर की बात करें, कतर खत आ जाता है लेकिन कतर से फंड नहीं आते हैं, जो नहीं आते क्योंकि हमने वो जो गुस्तियां थी उनको अपने जाति मफाद के इस्तेमाल कर करके अपने पाकिस्तान का जो एक इमेज है ना उस पर बनाया, उस पर मजाक उड़ाया, और आज ये आलम है कि हम रोज समझ सकते हैं कि सऊदी
तीन सलमान साहब आ रहे हैं और मोहम्मद बिन सलमान आएंगे, ये होगा वो होगा, वो ट्रेंडी खबर खबर जो सारी खबर का बिल्कुल बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ मुनीफ साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? आपको एक बेहतर लीडरशिप की या एक ऐसी लीडरशिप की जरूरत है जिसके पास कम से कम 5 साल का क्लियर मैंडेट हो और ये यकीन दिहाने हो, इस तरीके से हम आज कहते हैं कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ का दरवाजा बंद हो गया। अब ये यकीन दिहाने की दरवाजे जो है कि जो भी मुंतखब गवर्नमेंट होगी उसके लिए 5 साल के पहले दरवाजे बंद नहीं किए जाएंगे, कोई चोर दरवाजा कोई कानूनी लकुना इस्तेमाल करते हुए किसी की इस तरीके की नजर नहीं होगी कि पाकिस्तान में मुंतखब गवर्नमेंट आप इसे मुनीफ साहब मेरी आवाज आ रही है आपको? अच्छा मुनीफ साहब, मास्टर ऑफ इकोनॉमी जैसे ही वो पाकिस्तान में उतरे थे, उतरते के साथ ही इन्होंने ऐलान कर दिया था कि जैसे ही मैं आया हूं देखें डॉलर इतने कम हो गया, लेकिन अब तो ना डार मिल रहा है ना डॉलर मिल रहा है, यानी कि दोनों ही नापैद हो गए हैं। मतलब जिस जिस डार और डॉलर दोनों आपको मुल्क से बाहर जरूर मैं ये कह रहा हूं कि ना डार है ना डॉलर है, तो ये जिस मुल्क के लिए ये मास्टर ऑफ इकोनॉमिस्ट को लाया गया था उनके केसेस भी माफ किए गए और इनको बड़े रिलीफ के साथ खुसूसी तैयारे में पाकिस्तान में लाने की जो कोशिश की गई थी। आप साहब माजरत, मैं आपकी कथा का लाने करूंगा, मास्टर ऑफ इकोनॉमी क्या होता है? आप देखें कि डार जो अपने आप को बहुत ही कोई कदम खान माशाल्लाह से वजीर खजाना कहते हैं, आप खटार साहब की अपने वक्त की जो पॉलिसीज थी जो 2018 से पहले इनकी हुकूमत थी, 2017 में ये फुल फ्लेज तरीके से हम देखते थे कि बड़े स्टॉक मार्केट को 50,000 की सतह से ऊपर लेके गए, बबल क्रिएट किया, वो डॉलर को मस्नूई तौर पर उन्होंने रोके रखा। जिस दिन डार साहब कुर्सी से उतरे उन्हीं की पार्टी से ताल्लुक रखने वाले जो अगले मिनिस्टर थे मिठाई जी सुबह शाम उनके साथ होते थे, उन्होंने सरहन उनकी जो पॉलिसीज थी उनको निगेट किया और उनकी जितनी भी पॉलिसीज थी आप देखें उनको यके बाद दीगरे गलत पॉलिसीज करार दिया। वो खुद कहते रहे कि ट्रक को मसनूई तौर पर रोके रखना ये हमारी नाकामी थी, आज मईशत के ऊपर बोझ पड़ा। बल्कि आपको याद हो तो 2018 के इंतखाबात से पहले 2017 में मिफ्ता इस्माइल साहब जो डॉलर मसनूई तौर पर 98 से 102 या 103 के सतह पर ट्रेड होता था वो खुद उसको 115 से 125 की सतह पे ले गए थे और उन्होंने खुद तमाम तक पॉलिसीज को चेंज किया था। तो आप अगर डार साहब को इतना ही चैंपियन कह रहे हैं तो फिर मेरे ख्याल से डार साहब को पहले अपनी पार्टी में हिमायत ले लेनी चाहिए। और आज भी सूरत हाल को ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है, आज आप देख लें कि जो मिफ्ता इस्माइल साहब जो आज से 2 माह पहले तक वजीर खजाना हुआ करते थे, इसहाक डार साहब लंदन में बैठ के उनकी पॉलिसीज को गलत कहते थे, आज वो पाकिस्तान में बैठ के डार साहब की पॉलिसीज को गलत कहते हैं। तो पहले तो मुस्लिम लीग नून अपने अंदर तो एक मुतफिक फैसला कर ले कि आखिर पॉलिसी है क्या। लेकिन मुझे पॉलिसी नहीं, यहाँ यकीन तौर पर एक और सवाल मिफ्ता इस्माइल साहब के बारे में भी जरूर करूंगा, नो डाउट के बड़े कॉम्पिटेंट है और बिजनेस को और तमाम इकोनॉमी को पर गहरी नजर जरूर है उनकी, लेकिन वो भी तो 150 का जब पेट्रोल था वो कहते थे कि ये 100 का होना चाहिए, लेकिन अब 250 पे उनकी आवाज नहीं निकलती। वो हुकूमत में नहीं थे ना, फर्क ये है वो हुकूमत में नहीं थे उस वक्त, तो शायद सागर अब्बासी भी कहते थे कि पेट्रोल 70 रुपए का होना चाहिए, आज वो कहीं नजर नहीं आते। मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब भी कहते थे कि पेट्रोल 60 से 70 रुपए का होना चाहिए था, आज वो पता नहीं। एक बात तो उन्होंने मुझे याद है कि कपड़े भी बेचने का दावा किया था कि अगर मुल्क की आवाम के लिए आटा लाना पड़े सस्ते दामों और कपड़े बेचने पड़े तो वो भी बेच देंगे। मेरे ख्याल से तो ये सारी चीजें सिर्फ जबानी जमा करते हैं और ये भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि ना इनके हाथ में अब कुछ है, ना इनसे कुछ हो पा रहा है और ना कुछ हो पाएगा मौजूदा सिनेरियो में। क्योंकि मसला ये है ना अल्ताफ साहब, आप देखें अथॉरिटी नहीं रही इनके पास, आज ये मॉरल ग्राउंड पे कहीं नजर नहीं आ रहे, अथॉरिटी इनके पास कोई बची नहीं और आज हुकूमत के नाम पे जो कुछ फैसले हो रहे हैं वो हुकूमत नहीं कर रही, वो रियासत कर रही है और रियासत जो फैसले कर रही है बस मौजूदा गवर्नमेंट उसके ऊपर आप समझें कि चिड़िया बिठा देती है
और वो अपना नाम लगा देते हैं, लेकिन फैसले आज हुकूमत से हो नहीं पा रहे, अंदर की बात तो ये है। अच्छा, महंगाई, महंगाई बड़ा अहम तरीन सब्जेक्ट होता है किसी भी आवाम के लिए। मुनीब, आप समझते हैं कि जिस तेजी से महंगाई आगे बढ़ी, जिस किस्म के स्कैम्स आ रहे हैं, आप देखिए अगर सिंध की मैं बात करूं तो फिर वही पिछले साल जिस गंदम को चूहे खा गए थे, आज इस बार फिर वही हो रहा है कि अब कोई और खा गया है। यानी कि अरबों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों की जो है ये गंदम जो है एक बार फिर जो है वो एक तरफ कर ली गई है। और यकीन तौर पर जब गंदम नहीं होगी तो आटा, और आटा नहीं होगा तो वही महंगाई। आप समझते हैं कि ये मिसमैनेजमेंट का सिलसिला जो है वो सालों से जारी है और फिर मजीद आगे बढ़ रहा है। अच्छा, ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है साहब। पहले मैं ये आज से दो साल पहले तक मानता कि क्योंकि खान साहब की हुकूमत है तो सिंध में ये सूरत हाल मसनूई तौर पर क्रिएट की जाती है ताकि खान साहब की हुकूमत के लिए मुश्किल पैदा हों। और लेकिन आज जब ये सूरत हाल फिर से दोहराई जा रही है और हम देख रहे हैं कि आज भी सिंध के जो गोडाउन हैं वो राशन से भरे पड़े हैं, लेकिन वो आम आवाम तक, वो गरीब आवाम तक नहीं पहुंचाया जाता। और राशन के अलावा मैं तो एक बात ये भी करूंगा कि जो भी सिंध में और बलूचिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों के बाद जितना भी इमदादी सामान आया, वो इमदादी सामान की तरसील के बारे में भी जरा इंक्वायरी की जाए कि वो इमदादी सामान आखिर गया तो गया कहाँ, क्योंकि आज भी वो सारी आवाम तो खुले आसमानों के नीचे बैठी है। उनके पास आज भी राशन नहीं, आज भी दो वक्त की रोटी नहीं, आज भी उनके पास गुजर बसर करने के लिए कोई साजो सामान मौजूद नहीं। तो ये तो मेरे ख्याल से सिंध हुकूमत अपनी दुश्मन है या आवाम की दुश्मन है, या आप ये कहें कि शायद सिंध हुकूमत जो पीपल्स पार्टी के पास है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से कोई पुराना बदला लेती है, तो शायद मुझे ये भी लगता है। क्योंकि आज मुस्लिम लीग नून को इस दाने पे लाने में जो सबसे बड़ा किरदार है वो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, वो तो आसिफ अली जरदारी साहब की पॉलिसीज का है। वो जो मास्टरमाइंड कल तक अब हमजा शहबाज साहब की वजीर आला वजारत आला को कहते रहे, वो आज कहते हैं कि ये तो दरअसल चौधरी परवेज इलाही का फैसला था। तो मेरे ख्याल से तो ये दोनों जमातें अपने आप में मुखलिस नहीं है। अगर ये मुखलिस हो जाती तो शायद ना ये आटा चोरी होता, ना ये गंदम छुपाई जाती, ना ही इसके नाम पे अरबों खरबों रुपया बनाया जाता। और शुक्र करें ये चूहे खा गए, वरना तो यही आपको ब्लैक में अपनी अच्छा, बाजारों में मुनीब, इस प्रोग्राम के इस हिस्से में हम वजूहात पे बात कर रहे हैं, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आप इसके हल की तरफ पे जरूर जाएंगे। पहले वजूहात पे बात कर रहे हैं। एक लार्ज स्केल हमारी मैन्युफैक्चरिंग थी वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी। अगर आज से 6-8 माह पहले के आदाद और शुमार का पे अगर हम गौर करें तो ये पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज्यादा आदाद और शुमार हमें मिलते हैं। लेकिन वही लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, इवन जो टेक्सटाइल जिसपे हमारी पूरी इकोनॉमी का, हमारी मईशत का डिपेंड होता है, वो सारी की सारी इंडस्ट्रीज जो है ना वो जबूहाली का शिकार है, जिससे न सिर्फ ये कि हमारे जर मुबादला बल्कि हमारे रोजगार, बेरोजगारी के मसाइल भी बढ़ते चले जा रहे हैं। अल्ताफ साहब, देखिए मसला ये है कि जब सनतें बंद होती हैं तो बेरोजगारी तो यकीन तौर पर बढ़ती है, और जब हम देखते हैं कि सनतें परवान चढ़ते हैं तो रोजगार बहुत तेजी से लोगों को मिलता है, बहुत तेजी से। हम बल्कि आज से साल डेढ़ साल की पहले की बात करें तो टेक्सटाइल सनत से वाबस्ता जितने भी अफराद थे, आप जानते हैं अच्छी तरीके से, जो लोग इस सनत से वाबस्ता रहे वो भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो लेबर की जो वेजेस थी वो बढ़ा दी गई थी कि कहीं ये लेबर हमें छोड़ के ना चली जाए। एग्जैक्टली, एक्सपोर्ट ऑर्डर बड़ी तादाद में थे, सनतों को गैस मिल रही थी, सनतों को एक यकीन दिहानी थी कि मौजूदा गवर्नमेंट सनतों को के साथ खड़ी है, सनतों को फरोग देने के लिए तैयार है। और आप देखें कि उस पिछले दो एक साल पहले जो दो तीन साल का अरसा था उसमें वो बंद सनतें जो कि सालों से रंग आलूद हो चुकी थी वो भी चल पड़ी थी। और आप मजे की बात देखें, सनतों के ऊपर एक्सपेंशन हो रही थी, इंपोर्ट की जा रही थी मशीनरी बड़ी तादाद में, और सिर्फ टेक्सटाइल की मैं बात नहीं कर रहा, मैं ऐसी बहुत सी सनतों की बात कर सकता हूं जो कि शायद बहुत तेजी से ग्रो कर रही थी। सिर्फ पाकिस्तान को एक मसला जो दरपेश था वो था इंटरनेशनली ऑयल प्राइसेस थे, और हमने देखा कि शायद उसके लिए रशिया के साथ मामला तय हो रहे थे, और वो 3 से 6 माह की जो विंडो थी जो रशिया के साथ, अगर हम उस दौरान ऑयल की तजारत कर लेते तो उस वक्त रशिया के साथ जो हमारी दोस्ती होती वो बहुत बड़ी एक लॉबी है जिसको पसंद ना आती। और शायद उन्हीं के आलाकार ने जो पाकिस्तान में मौजूद थे उन्होंने शायद इस बात को महसूस किया, और हमने देखा कि रिजीम चेंज भी हुआ। और आप देखें जो सनतें धुआं उड़ाती रही आज वो सनतें फिर से गर्द उड़ा रही है, गर्द उड़ा रही, मिट्टी उड़ रही, वहां कोई भी काम नहीं है, कुछ भी नहीं होता दिखाई दे रहा।
और जॉब आप देख लें कि जॉब मार्केट कितनी बुरी हो चुकी है कि आज आपको कराची की हर सड़क पे लूटमार, डकैती, वारदात, और आपको हर दूसरे शख्स से खौफ आता है, क्योंकि शायद हर दूसरा शख्स ऐसी माली मुश्किलात का शिकार है कि उसको कहें भी तो क्या कहें। तो ये हमारे माशरे का आदम तनासुब है, और जब तनासुब से चीजें बिगड़ेंगी, और जब आप शरह सूद बढ़ा के ये समझेंगे कि हमने मुल्क की मईशत को संभाल लिया, जब अमीर को अमीर करेंगे, गरीब को गरीब करेंगे, तो फिर आपको क्या लगता है बिल्कुल ये मुल्क में खुशहाली तो नहीं आ सकती? ऐसे ही, और ऐसे शरह ही। सूद बढ़ाना तो खुद अल्लाह और उसके रसूल से खुला जंग है, ये तो खुली जंग है। और अगर यही कुछ पॉलिसीज मौजूदा गवर्नमेंट को लेनी है तो मेरे ख्याल से तो बेहतर है कि हुकूमत घर चली जाए और उनसे संभल नहीं रहा इस बात का एतराफ कर ले। बिल्कुल, अब इसके वजूहत पर भी जिक्र करेंगे। प्रोग्राम के मुझे वक्फे के लिए कहा जा रहा है मुनीब साहब, सीनियर तजियाकार और एंकर पर्सन मुनीब मेमन हमारे साथ हैं। मैं वक्फे के लिए वक्फे से वाफी पाता हूं, तो फिर अब इनसे बात होगी कि अब इसको सही कैसे किया जाए, क्या वाहिद हल सियासी ही है या इस पर कुछ और भी बात होगी। लेकिन इनके साथ साथ में स्टॉक एक्सचेंज की मौजूदा सूरत हाल पर भी इनसे सरसरी तौर पर जरूर बात करूंगा। हमारे साथ रहिएगा, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होता हूं। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में मुनीब मेमन साहब बदस्तूर हमारे साथ मौजूद हैं। और मैंने कहा था वक्फे में जाने से पहले कि पहले मैं थोड़ा सा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल का कुछ ओवरव्यू लूं, क्योंकि बड़ी गहरी नजर है मुनीब मेमन साहब की पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और इसकी कारगुजारियों पर, और इसके बाद फिर मैं हल की तरफ आऊंगा कि फाइनली हल क्या होगा और आया उस हल तक जो आवाम सोच रही है वहां तक हम पहुंच पाएंगे या नहीं। मुनीब साहब, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इंडिकेटर होता है किसी भी मईशत का, कहां देखते हैं मौजूदा सूरत हाल में स्टॉक एक्सचेंज की कारगुजारियों को? साहब, पहले तो मेरे एक बड़ी स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन है कि ये जो नाम है ना पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, इसको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का नाम तब्दील कर देना चाहिए। और पहले तो कराची स्टॉक एक्सचेंज हुआ करता था, तीन स्टॉक एक्सचेंज मर्ज कर दिया गया और फिर एक स्टॉक एक्सचेंज कायम कर दी गई, PSX का नाम दे दिया गया। सर, जिस स्टॉक मार्केट में आपका नंबर ऑफ इन्वेस्टर 2.25 लाख हो, एक्टिव इन्वेस्टर 50 से 60 हजार हो, इसको आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ना कहें तो बेहतर है। उसके लिए कोई और दूसरा नाम तजवीज दे दें, क्योंकि पहले तो मैं खुद ये कहूंगा कि स्टॉक मार्केट जिसमें पार्टिसिपेशन लेवल ही ना होने के बराबर हो, तो उसको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ना कहा जाए तो मेरे ख्याल से बेहतर होगा। अब दूसरी बात, आपने परफॉर्मेंस की कही, अब मैं इसको दो हिस्सों में तोड़ सकता हूँ, एक कंपनीज की परफॉर्मेंस है और एक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की अपनी परफॉर्मेंस है। जरा पहले स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस के ऊपर बात करते हैं, फिर कंपनीज के ऊपर चले जाएंगे। आज मेरे ख्याल से कितना ही अर्सा गुजर गया, मेरी एक इंफॉर्मेशन है, हो सकता है मैं गलत हूँ, स्टॉक एक्सचेंज का जो मार्केटिंग बजट जो मुख्तलिफ पैरायों में खर्च किया जाता है वो एट मिनिमम भी 5 से 7 करोड़ रुपए का होगा, कम से कम भी। ठीक है जी, बिल्कुल। इसमें लिस्टिंग भी आ जाती है, जिसमें नए इन्वेस्टर्स की बात भी आ जाती है, जिसमें इन्वेस्टर अवेयरनेस भी आ जाती है। मैं सबसे पहले तो ये सवाल पूछना चाहूंगा तमाम तर नाजरीन से, तमाम तर हुकाम से, कि जरा ये बता दें कि ये जो पैसा जो आप खर्च कर रहे हैं, तनख्वाहें इसमें लग जाती हैं, ये बहुत बड़ा फंड है, इसमें आप सोचें ये बहुत कुछ इसमें किया जा सकता है। इसमें इन इतने सालों में नंबर ऑफ इन्वेस्टर दरअसल कितने बड़े, नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स कितने बड़े, ये बड़ा अहम सवाल है। और मैं आपको एक टेक्निकल मसला बता देता हूँ। बिल्कुल, स्टॉक एक्सचेंज जो अपनी एनुअल रिपोर्ट प्रिंट करता है, उस एनुअल रिपोर्ट में हमेशा स्टॉक एक्सचेंज देता है नंबर ऑफ न्यू इन्वेस्टर। ठीक है, नेट इन्वेस्टर्स का स्टॉक एक्सचेंज भी कभी तस्करा नहीं बताता। क्यों नहीं बताता, जरा ये सवाल तो करें। जब आपकी इंटेंशन मैलिफाइड होगी, जब आपकी इंटेंशन ये होगी कि हमने छुपा के काम करना है, हमने तस्लीम ही नहीं करना, तो फिर हम किस तरीके से इस मार्केट को बेहतर बना सकते हैं? बिल्कुल। दूसरी बात, आपके पास इस स्टॉक मार्केट में जो प्रोडक्ट्स हैं, क्या वो प्रोडक्ट्स हैं या प्रोडक्ट्स के नाम पे मजाक हुआ? आहा,
आपके पास स्टॉक मार्केट में जेम बोर्ड जिसमें हम कहते हैं कि स्मॉल कंपनीज आती हैं, लिस्ट होती हैं, उसकी परफॉर्मेंस ओवर द इयर्स क्या रही, कितने लोगों को नवाजा गया, किस लिहाज से नवाजा गया। फिर आपकी स्टॉक मार्केट का एक और बहुत बड़ा मसला है ट्रस्ट का। आज आपकी स्टॉक मार्केट पे बहुत बड़ा एक्सपेक्टर है जो ट्रस्ट नहीं करता, तो स्टॉक मार्केट ये ट्रस्ट क्यों नहीं बिल्ड कर पा रहा, क्यों नहीं मेंटेन कर पा रहा। स्टॉक मार्केट इतने अरसे में इतने बड़े फंड्स के साथ, इतनी सारी एफर्ट के साथ, और ये मैं बता दूं स्टॉक मार्केट का जो मैं आपको बजट बता रहा हूँ, जी, स्टॉक मार्केट कभी भी इंडिविजुअली कैंपेन्स नहीं करता, क्योंकि जो ब्रोकर है वो अकाउंट या तो उनके पास जाना है या म्यूचुअल फंड के पास जाना है। बिल्कुल। तो ये जो फंड जो स्टॉक मार्केट अपना इन्वेस्ट करता है उससे कई ज्यादा जो फंड है ब्रोकर और म्यूचुअल फंड स्टॉक एक्सचेंज के साथ मिलकर कर रहे होते हैं। तो ये स्टॉक एक्सचेंज की जिम्मेदारी है कि उनको एक वो डायरेक्शन में जहां से इन्वेस्टर का इंक्रीज होना यकीनी बनाया जा सके, और जो ओल्ड इन्वेस्टर है, जो पुराना इन्वेस्टर है वो इंटैक्ट रहे। आज तो आलम यह है कि आपके जो ब्रोकरेज हाउसेज है वो बंद होते नजर आ रहे हैं। बड़े बड़े ब्रोकर थे, उन्होंने अपने बिजनेसेस को वाइंड अप कर दिया या लिमिट कर दिया। तो क्यों किया, किसकी हिमात हो रहा है, और स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर खामोश तमाशा है, ये मेरा सर सवाल। एक सवाल और भी सोशल मीडिया में उठा है, क्योंकि मेरी बहुत गहरी नजर नहीं थी तो मैंने जरूर सोचा था कि आज के प्रोग्राम में आपसे पूछूंगा। छोटे इन्वेस्टर्स या पुराने ऐसे लोग जो बड़ा रोजी रोटी इससे कमाया करते थे, उनके लिए कहा यह गया है कि अब तो ये उनके लिए जहन्नम बन गया है। नहीं, जहन्नम भी मेरे ख्याल से उसके आगे ठंडी लगती होगी, क्योंकि जो इंसान अपने जिंदगी भर की जमा पूंजी लगा दे स्टॉक मार्केट में, और आप ये सोचे कि वो ये तस्वुर के साथ आए कि आज मैं 1000-1500 रुपए, ज्यादा नहीं 1000-1500 रुपए दिन के कमा के जाओ, बिल्कुल 2000 रुपए कमा के जाओ। आज आप यकीन करें जो 2017 के नुकसान आप लोगों को हुए हैं आज तक उसकी भरपाई नहीं हुई। आपकी स्टॉक मार्केट में ऐसे कितने ही लोग हैं जो डिफॉल्ट कर चुके हैं, मतलब उनके हालात इतने खराब है कि उन्होंने शायद 3-3 साल 4-4 साल पुराने जो स्टॉक्स लिए थे, और ब्लू चिप कंपनी जिसको स्टॉक एक्सचेंज को प्रमोट करती है, ब्लू चिप कंपनीज ने टेक्निकल लें, ये सब वो स्टॉक्स लें जो डिविडेंड हो, आप देखें तो ये कंपनीज कहां जाके खड़ी है। बिल्कुल। तो कोई तो नजर ही नहीं आता। बहुत सी कंपनीज है जो सालों सालों डिविडेंड नहीं देती, लेकिन स्टॉक मार्केट उनके हवाले से खामोश है। क्यों खामोश है, स्टॉक मार्केट का एक रोल है, एक किरदार है। और दूसरा सवाल ये तो पूछा जाए कि आप स्टॉक मार्केट में कितनी कंपनीज लिस्ट हुई है, हर साल कितनी कंपनीज लिस्ट हुई। हमने देखा कि बीच में एक साल कोई कंपनी लिस्ट नहीं हुई, सूरत हाल अच्छी हुई, 5-7 कंपनीज लिस्ट करा दी, इसके बाद फिर खामोशी। अगर नई लिस्टिंग नहीं आएंगी, नए आईपीओ नहीं आएंगे, और आईपीओ के साथ जो बुक बिल्डिंग का निजाम है आपको पता है कि किस तरीके से चलता है, बिल्कुल ऐसे ही किसको किस तरीके से फायदा दिया जाता है। तो ये एक फैक्टर जो मेरे ख्याल से स्टॉक मार्केट से जो वाबस्ता लोग हैं उनको सोचने की जरूरत है। और हमने आज से कुछ अर्सा पहले सुना था कि बहुत कोई 40-50 करोड़ रुपए खर्च करके नया ट्रेडिंग इंजन भी लाया जा रहा है, वो ट्रेडिंग इंजन चला और फिर वो बंद हो गया और फिर उसको कूड़े के डब्बे में डाल दिया, या क्या हुआ अभी तक मेरे ख्याल से उस पर भी क्लैरिटी आनी बाकी है। वो भी चीजें हैं जो मेरे ख्याल से आम आवाम तक पहुंचनी चाहिए, बिल्कुल इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। बोलिए सर जी। और रही बात कंपनी की, तो मेरे ख्याल से कंपनीज की परफॉर्मेंस ओवरऑल इकोनॉमी के ऊपर डिपेंड करती है। बिल्कुल। जब आपकी माशी सूरत हाल बेहतर नहीं है तो आपकी कंपनीज की पोजीशन मेरे ख्याल से बेहतर होना बहुत मुश्किल है। हमारे एक्सपोर्ट ड्रिवन कंपनीज नहीं है, हमारे यहाँ बिजनेस सेंटर कंपनीज उस तरीके से नहीं है जो लोकल इन्वेस्टर या लोकल मार्केट को टारगेट करती हो, तो डिफरेंट जोन है। शायद हमारी मार्केट इस वजह से भी बहुत ज्यादा सफर करती है। बिल्कुल ऐसा ही है। और बिल्कुल स्टॉक एक्सचेंज का भी हाल नाजरीन आप वही समझ लीजिए जैसा कि नक्शा खींचा है मोहतरम मुनीम अहमद साहब ने, कि जिस तरह से वो हाथ जो नजर नहीं आते पाकिस्तान की मईशत को खा रहे हैं, जो पाकिस्तान की सियासत पर अपनी जर्ब लगाते हैं, शायद स्टॉक एक्सचेंज भी उन्हीं में से है कि वो हाथ जो नजर नहीं आते लेकिन छोटे इन्वेस्टर्स को जो नुकसान हो रहा है, लेकिन वो उन्हीं हाथों की वजह से हो रहा है। मैं फिर आता हूं, आखिरी सेशन है, आखिरी कुछ मिनट है मुनीब, मुझे ये बता दीजिए कि अब पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है मईशत के हवाले से या सियासत के हवाले से, आप समझते हैं इसका वाहिद हल सिर्फ और सिर्फ वो साफ और शफाफ इलेक्शन है जिसकी डिमांड जो है इमरान खान या उनकी पार्टी कर रही है, या इसके अलावा कोई और हल भी आपको नजर आ रहा है? तो मुझे इलेक्शन भी इसका हल नजर नहीं आता है। मुझे दरअसल इसका एक हल नजर आता है कि कोई ऐसा इदारा या ऐसी कयादत जो सारी जमातों को जोड़ के एक पेस्ट बिठा सके और कह सके कि अब बस
अब बहुत हुआ, और अब जो भी फैसला आवाम का होगा उसको किया जाएगा। बिल्कुल, और आवाम का फैसला ही होना चाहिए अगर हम जमहूरियत की बात करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, मुझे तो नाम बता दे। तो मेरे ख्याल से ये जरूरी है, क्योंकि अगर आप इलेक्शन इस माहौल में आज हो भी जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि सूरत हाल कुछ ज्यादा बेहतर होगी। बिल्कुल, आपको फिर से वही 35 पंचर की जगह 60 पंचर नजर आएंगे। आपको कहीं पे किसी का सुनो रसूख इस्तेमाल होता हुआ नजर आएगा। ऐसा ही इलेक्टेड को सिलेक्टेड कहा जाएगा, फिर 4 साल या 6 साल बाद हम सुनेंगे कि मुंतखब हुकूमत को सिलेक्टेड कहा गया। जब आपको पहले तकलीफ थी तो आप शायद 6 साल पहले कह देते थे कि मुंतखब हुकूमत को सिलेक्टेड ना कहा जाए, ये अवामी राय के बरखिलाफ है। तो फिर इस तरह के जब मामला होते हैं तो मेरे ख्याल से मुश्किलात तो बढ़ेंगी, और मेरे ख्याल से इलेक्शन भी इसका कोई हल नहीं है अगर तो क़यादत को इस हवाले से आगाह नहीं किया जाता। बिल्कुल ऐसा ही है, और बहुत बहुत शुक्रिया मुनीब अहमद साहब आपका हमारे आज के इस प्रोग्राम में रहने के लिए। आपने मईशत के साथ साथ सियासत पर भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। नाज़रीन, जैसे इस बात पर ही आज की इस बात का इख्तिताम भी करेंगे, जैसे कि मुनीब ने कहा कि अब शायद जिस तरह से हमारे यहाँ इलेक्शन इलेक्शन के बाद की सूरत हाल होती है, लगता यही है कि शायद एक कोई इलेक्शन भी शायद इसका वाहिद हल नहीं है। लेकिन नो डाउट इलेक्शन के अलावा हमारे पास कोई चारा भी नहीं है। होना नहीं, होना देर या दवेर या सवेर, होना इलेक्शन ही है। और इलेक्शन के बाद की सूरत हाल को किस तरह से मोनिटाइज किया जाता है, किस तरह से मैं और आप इसे मॉनिटर करते हुए आगे बढ़ाते हैं, अवाम का इसमें क्या अमल दखल होता है, अवाम की उमंगों के मुताबिक आया कोई ऐसी हुकूमत, ऐसी कौमी हुकूमत बनने में कामयाब हो जाती है जो कि पाकिस्तान को इस मुश्किल तरीन सूरत हाल से, पाकिस्तान वक्त के एक मुश्किल तरीन सूरत हाल से गुजर रहा है। मईशत को अगर हम देखते हैं तो बहुत ही घिनौने से, बहुत ही डरावने से जो है वो ख्वाब हमें नजर आते हैं। और सियासत पर देखें तो वो तो हम रोजाना देख ही रहे हैं। मीडिया हमारा हसब मामूल हसब दस्तूर कुछ बहुत ज़्यादा इतना एनर्जेटिक हमें नज़र नहीं आया इन इन मुश्किल तरीन हालात में भी, जबकि आज से चंद माह पहले बड़ी अच्छी सूरत हाल हुआ करती थी जिस पर मीडिया ने अपना भरपूर किरदार अदा किया था। तो ये है मेरा और आपका और हमारे मीडिया का किरदार, हमें अपनी आंखें खुली रखनी होगी। अगले प्रोग्राम में नए मेहमान के साथ और नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।